I was rusticated from that school. गांव कहीं जाके भेज देता नहीं है, कैसे खेती करवा। मैंने 2 मिनट तो प्रवेश है, बाकी घंटा लोग चुप ना रहे, लेकिन आशा चोरी कर दी है मास्टर साहब को कि हम बाबा ने हमसे कहा कि क्या करवा हो, खेती करवा कि बाबा हमको सुनो तरह या तो हमारे खेता खेती होगी। हाँ, एक विषय में मैंने चोरी की, संस्कृत एक नंबर से राजवेंद्र प्रताप सिंह को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। सुनिए आप सुनो, हमको भेंट है ना चीट है, आप हमको देख के मुस्कुरा कह रहे हैं, साइंस कॉलेज में हम ही ना आपका हजरिया कर देते थे। व्यक्ति जो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं विधायक के रूप में राघवेंद्र प्रताप सिंह, मैं विद्यार्थी हुआ करता था विकास विद्यालय रांची का, वो 4 किलोमीटर के रेडियस में वो स्कूल है। मैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री स्वर्गीय अंबिका बाबू का बेटा था और एक बहुत बड़ी सुविधा मुझे पढ़ने के लिए मिली हुई, इसको सीखना मुझे लगा कि बड़ा आनंद का जगह है और मैं उस जगह का आनंद लेने लगा। जिस क्षेत्र में मुझे जाना था, वहां का वातावरण था बाहरी वातावरण, पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था जितना मन हमको स्विमिंग में लगता था, जितना मन हमको चोरी से उधर से बीआईपी से घूम करके रांची में सिनेमा देखने में लगता था, जितना हमारे यहाँ जो म्यूजिक रूम था उसका तबला तबला फबला उबला सब तोड़ तार के हमने बराबर कर दिया था। तो क्या हुआ, वहां के प्रिंसिपल थे डॉक्टर ओटो उल्फ, तो हमारे बच्चे नहीं पढ़े, प्लीज गेट आउट। क्या समझे, आई वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम दैट स्कूल। पटना आया है, सुनी मैंने 2 मिनट तो प्रवेश है, बाकी घंटा लोग चुप ना रहे, लेकिन जब मैं गांव कहीं जाके भेज देता नहीं कैसे खेती करवा, मेरे पिता कैसे थे और उनका डिसीजन कैसा होता था, बहुत ही सम्मानित और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने कोई प्रश्रय देने के बजाय कह दिया कि जाकर के लाल बिहारी से खेती करवाई, मैं घर का नाम लाल बिहारी, और 15 रुपया मुझे दिया गया कि गांव पर जाइए, आप निकलिए मिनिस्ट्रियल हाउस से बाहर निकलिए, गांव पर चलिए। एक पिता का फैसला, मैं गांव आया, बाबा ने हमसे कहा कि क्या करवा हो, खेती करवा कि बाबा हमको सुनो तरह या तो हमारे से खेता खेती होगी। शुरू से हम रहल वाली शहर में जहाज पैसी पर हमसरा हुई, तो क्या करवा हमको हम पढ़ो, और मैंने अपना नाम लिखवाया टीएचए विद्यालय धमार स्कूल में मैट्रिक एग्जाम देने के मकसद से। वहां भी मैं कुछ इधर उधर करने लगा, 12 बजे के बाद संस्कृत का क्लास होता था, सोशल स्टडीज का क्लास होता था, मैं कहता था कि चलो जाओ रहा है। लेकिन उसी विद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे देवमुनि बाबू, देवमुनि सिंह अमरेंद्र जी, जो बाद में एडीएम होकर के रिटायर किए, चले गए उस क्षेत्र में, बड़े गंभीर शिक्षक थे, आ रहे थे स्कूल से, हम लोग के मैट्रिक का भी एग्जाम हुआ था, हमने उनको प्रणाम किया, बहुत सीरियस थे। उन्होंने अपना कलम निकाला पॉकेट से और अपना ये दिखाया, क्या नीट कलम वो टूटा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि सर दी ना, हम करके बदलवा, स्वाभाविक बात कलम दिखाओ सबके टूटे बदलवा, नहीं ना लाल बिहारी, ये कलम तुरनी है तहरा कॉपी पर, सारी जहंता जो खत्म हो गई थी यहां लिखा मैंने हिंदी 2, और वो बात हो गया मुझे 72 नंबर देने के लिए, 65-67 से बेसी आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिया था नंबर देकर के, उन्होंने अपना कलम तोड़ दिया। जो विद्यार्थी वहां से निकाल दिया गया, जब उस विद्यार्थी को धक्का लगा
कि मेरा जीवन अनिश्चय की तरफ बढ़ेगा, तब मैंने अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू किया, अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया। '68 में बबुरा में मैंने एग्जाम दिया मैट्रिक का। सारे कमरे में लड़के हमसे कहते थे कि तेरे चला मास्टर से कह दे कि चोरी कर दी है। मैं कहता था कि चोरी कर दी है मास्टर साहब की, हम मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, एक विषय में मैंने चोरी की, और कौन विषय हो सकता है? संस्कृत, संस्कृत। और आप जानते हैं पूरे स्टेट में एक नंबर से राजवेंद्र प्रताप सिंह को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा। मोतिहारी का लड़का, उसका भी नाम अमरेंद्र था, वो उसका नंबर आया 651, मुझे आया 650। और उसके बाद साइंस कॉलेज में मेरा रोल नंबर रहा 1। तो मैं तो शुरू से, मैंने कहा तुमको बच्चों की, मैं थोड़ा सा चंचल था, यहाँ केसी सिन्हा के कौन वीसी आए थे, केसी सिन्हा एक दिन में बैठा था एक मीटिंग में, वो भाई शास्त्र भी मेरे बगल में थे, ऐसे देख के भाई शास्त्र हमको मुस्कुरा रहे थे। मैंने घूम के उनसे पूछा कि सुनिए आपसे ना हमको भेंट है ना चीट है, आप हमको देख के मुस्कुरा कह रहे हैं? अरे भूल गए सर, वही कहते हैं हम कुछ भूल गए सर, हमको नहीं भाई याद नहीं, आज तो साइंस कॉलेज में हम ही ना आपका हजरिया कर देते थे। वो भीसी बन, मैं सेकंड टॉपर रहा। उसके बाद राजनीति में आया, और राजनीति में भी एक लंबी लड़ाई मैंने लड़ी, कभी जीता कभी हारा, कभी जीता कभी हारा, लेकिन हारने के बाद भी ये तय कर लेता था कि अगली बार तो मैं बहुत आराम से जीत जाऊंगा, क्योंकि जो गए हैं यहाँ उनसे सेवा नहीं हो पाएगी जो सेवा मैं करता हूँ, और मैं प्रयास करता था, और ये मैं दूसरी बार विजय प्राप्त करते करते आज 8 बार प्रधान से विधायक चुना गया। तो बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा, यह समय दोबारा नहीं मिला। आज ड्रीम बॉयज हॉस्टल, मैं आरामे शिक्षा पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब चर्चा करने बैठ जाता हूं, बहुत से लोग राजेंद्र प्रताप को समझते नहीं, तो मैं फैक्ट से भागता नहीं। तो जो मैं देख रहा हूं आरा में, आज मैं इस लड़के से इतना जरूर कहूंगा कि उधर मत देखो, देखो कि कैसे हमारे बच्चे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे, ये देखो। क्योंकि आज महाराजा कॉलेज हो, जैन कॉलेज हो, जगजीवन कॉलेज हो, कई कॉलेजेज जिस हालत में है मैं देख रहा हूं, मैं कोई उसके विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, यहां जो आज हमारे बच्चों के प्रेरक लोग बैठे हुए हैं, अमरेंद्र जी, ये एक्सपेक्टेशन मेरा आप लोगों से होगा कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। क्या नहीं है, क्या बुरा इसमें नहीं है, सब है, फैक्ट है, इससे दूर हो जाए। और ये जो है माताएं बैठी हैं, इनसे भी मेरा एक आग्रह होगा, चौके में जाती हैं धीरे से थमा देती है, आज जब उधर से आकर के उसको लेने का प्रयास करती हैं, तो वो बच्ची चाहे बच्चा आपसे लड़ने लगता है। एक जगह एक बच्चे ने जिसकी उम्र 10 बरस थी अपने माँ की हत्या कर दी इसी मोबाइल की, तो ये मोबाइल टेंशन बढ़ाता है। ज्ञान किताब से प्राप्त होता है, मोबाइल से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इससे दूर रहने का प्रयास के लिए माताओं को भी मैं सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा कि बच्चों को इससे अलग रखिए, नहीं तो वो बच्चा शुरू से सुनने वाला होगा। ये मैं जरूर कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि मुझे भी कई कार्यक्रमों में जाना है। हॉस्टल जो खुला है रॉकी से, मेरा यही आग्रह होगा, रॉकी उस हॉस्टल में सफाई का इंतजाम, बच्चों के लिए सुरक्षा का इंतजाम,
बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार जो भी चीज करना हो उसके लिए आप देखेंगे, और जहां कहीं भी आपको जरूरत होगी अमरेंद्र जी, वहां हम लोग आपको गाइडलाइन देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, कोई जरूरत हो, कोई दिक्कत महसूस होगी तो हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, और परिवार की तरह ही निश्चित तौर पर देखेंगे। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ एक हॉस्टल खुल रहा है, हमारे बच्चे आए, आराम से पढ़े, सुसंस्कृत बने, जीवन में आगे बढ़े, ये मेरा वचन रहेगा।